ये जो पाथ वो फॉलो किया फ्रॉम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ये एक तो सर्कल का आर्क का एक तो पार्ट है, दोनों ही, लेकिन इसका रेडियस है। बच्चों समझ में आया? क्योंकि अगर सर्कुलर पाथ है तो रेडियस तो सेम ही रहेगा, दैट इज टुवर्ड्स इनसाइड, और बाहर के तरफ एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू mv² / r। तो ये दोनों हमेशा बैलेंस करके चलता है एक दूसरे को, नहीं तो सर्कुलर पाथ तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई जो अंदर की तरफ फोर्स है दैट इज सेंटर की तरफ जो फोर्स है दैट इज qvb, और जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज mv² / r। यहाँ से v और एक तो v कैंसिल होके रेडियस का जो वैल्यू आता है दैट इज mv / qb। तो ये हो गया इसका रेडियस का वैल्यू, विल बी सेम एंगल, इसलिए इसका पैरेलल खींचे तो इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला हो गया। ठीक है, इसका कैलकुलेशन इसी तरह से करना पड़ेगा। तो 90 माइनस थीटा है, लेकिन दिस प्लस दिस इक्वल टू अगेन 90 होना चाहिए। तो ये जो एंगल थीटा है, दिस एंगल इज एक्चुअली दिस एंगल, और ये अगर थीटा होता है तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बनाए, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला एंगल। तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल हो गया अल्टीमेटली थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया डी बाई रेडियस हो गया आर, और आर का वैल्यू क्या होगा mv / qb। दैट मीन्स इसमें अगर वैल्यू बैठा देते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू डी बाई रेडियस का वैल्यू बैठा देंगे mv / ऊपर में चल जाएगा qb। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो ऐसे आएगा। हाँ, लेकिन इस जगह में जाते जाते वो क्या हो जाएगा, दिस विल टर्न थ्रू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब है यहां से, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकलेगा। चीज तो समझ रहे हैं यहाँ पे, जस्ट 90 डिग्री हो गया मतलब अब बाहर कैसे निकलेगा, बाहर तो नहीं निकलेगा। तो 90 डिग्री हो गया मीन्स उसका रेडियस कहीं यहां पे होगा तब। अब जैसे 90 डिग्री हो गया तो मतलब mv / qb अगर तुम देते हो या उससे थोड़ा ज्यादा, या mv / qb हम लोग बोल सकते हैं द लास्ट द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट कैन बी गिवन, उसके बाद लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा पार्टिकल, अगर हम लोग हॉराइजेंटली फेंकते हैं तो क्या करेगा पार्टिकल, पार्टिकल उसके बाद फिर से घूम के बैकवर्ड आ जाएगा। सो इट विल मेक ए टोटल सेमी सर्कुलर चक्कर, और उसके बाद वो जब यहाँ से निकलेगा तो एग्जैक्टली फिर से हॉरिजॉन्टल होकर, मतलब जिस वेलोसिटी से घुसा था वेलोसिटी तो उसका हर जगह में सेम रहेगा, लेकिन निकलने का समय क्या होगा ये भी तब इस लाइन के साथ 90 डिग्री, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री करके समझ लो इसको फेंके थे, तो वो जैसे गया था इसका पैरेलल होके निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सटेंडेड अप टू ये डिस्टेंस mv / qb। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स डी इंटू qv / mv, दिस इज द रिलेशन बेसिकली। लेकिन ये तभी होगा, इसके ये रिलेशन तभी लागू हम लोग कर सकेंगे व्हेन दिस डिस्टेंस इज लेस देन mv / qb, तब वो उस साइड में बाहर निकलेगा, मतलब इधर से फेंके उधर से निकला, समझ में आया? लेकिन अगर mv / qb से mv / qb अगर हो गया या उससे थोड़ा बड़ा हो गया तो पार्टिकल क्या होगा, इट विल गिव ए सेमी सर्कुलर मोशन। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं पहले मुझे बताओ। जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड का वो डी इक्वल टू होता है, समझ लो ऐसे mv / 2 qb, ऐसा प्रॉब्लम तुमको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस, अब तुमको बताना है कि वो कितना एंगल करके निकलेगा दूसरा साइड में। तो ऐसे अगर बोलेगा तो हम लोग बैठाएंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स mv, जो डिस्टेंस है तो डी का वैल्यू ये बैठा देंगे mv / 2 qb। ये तुम कभी भी डिराइव कर सकते हो इफ यू नो, जैसे मैं डिराइव किया, तो ऐसे याद रखने वाला कुछ नहीं है। तो qb / mv बैठाने से ये कैंसिल होके हम लोग देख रहे हैं ये साइन इनवर्स 1/2 आ रहा है। तो साइन इनवर्स 1/2 इसका मतलब है दिस एंगल विल बी π/6 को फेंके। ठीक है, जब भी इस तरह से फेंका जाएगा देन यू हैव टू टेक टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का दो कॉम्पोनेंट यहां पे ले लेना है। वन विल बी
along x axis, which will be v cos theta, and another is along z axis, which will be v sin theta. कि जो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, सो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द पार्टिकल. तो पार्टिकल का रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वी साइन थीटा, बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है लेकिन वी कॉस थीटा, व्हिच इज एक्चुअली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड है टोटल सब जगह में. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी कॉस थीटा यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा उसके घूमने के लिए. तो घूमने के लिए कौन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा वेलोसिटी? दैट इज वी साइन थीटा. तो पार्टिकल क्या करता, पार्टिकल कैसे घूमता? अगर मान लेते हैं एक मोमेंट के लिए, अगर मान लेते हैं कि वी कॉस थीटा इज एब्सेंट, तो ये पार्टिकल कैसे घूमता? पार्टिकल लेकिन ऐसे घूमता, अलोंग वाई एक्सिस अगर फोर्स है तो पार्टिकल वो सेंटर बनाता एंड इट विल मेक अ सर्कल. Half of the circle will remain above the xy plane and half of the circle will be below the xy plane and it will touch 0, 0 once per rotation. ऐसे ही घूमता रहता. It will rotate making the center on y axis and the rotation will be in yz plane. yz plane मतलब समझ रहे हो, yz ये वाला हो गया yz plane. तो ये yz plane में घूमता particle. mv is now v sin theta. So mv by qb, so mv sin theta by qb. So now this will be the radius of its rotation. ठीक है, so mv sin theta by qb, this is the radius. तो ये radius वो maintain करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो लेकिन gradually वो ऐसे घूमेगा, लेकिन घूमते घूमते आगे बढ़ेगा. सो देयर विल बी सर्टेन डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स, दिस इज कॉल्ड पिच, पिच PITCH, पिच. तो पिच ऑफ हेलिक्स, दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स. तो 2πr बाय, अब ये कौन इसको ले मतलब घुमा रहा है, कौन सा वेलोसिटी? वी साइन थीटा. रिमेंबर दिस, इसको लेकिन लेके घुमा रहा है पार्टिकल को, दैट इज वी साइन थीटा बाई वी साइन थीटा इंटू रेडियस. रेडियस है क्या? रेडियस है एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी. तो क्या देखा जाएगा कि ये जो वी साइन थीटा है, दिस वी साइन थीटा इज बेसिकली कैंसल. ये दोनों कैंसल होकर टाइम पीरियड इक्वल टू आ जाता है 2πm बाई क्यू बी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पार्टिकल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं विथ सम एंगल, वॉट एवर मे बी द एंगल थीटा, इसका जो टाइम पीरियड है मतलब एक चक्कर मारने का जो टाइम है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी और द एंगल. पिच इक्वल टू दिस टाइम मल्टीप्लाइड बाई वी कॉस थीटा. इतना टाइम में वी कॉस थीटा जितना दूर ले जाएगा, दैट इज दैट विल बी पिच. तो इसका मतलब है ये चीज तो आ जाएगा 2πm वी कॉस थीटा बाई क्यू बी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स साइड. तो दीज आर कॉल्ड डीज, ये दोनों को डीज बोला जाता है. दीज टू आर कॉल्ड डीज. तो ये डीज में हम लोग का क्या होगा कि ऑलवेज देयर विल बी, अगर ये वाला जो डीज है, ये वाला डीज अगर पॉजिटिवली चार्ज है, तो एट दैट मोमेंट दिस डीज इज नेगेटिवली चार्ज. लेकिन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. अगेन दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव. तो ये कॉन्टिन्यूसली चलेगा,
और कितना स्पीड से चलेगा, सेकंड में 500 टाइम्स। हुआ ये चीज तो हुआ। सो एसी है तो यहाँ पे कोई हम लोग सिंबल नहीं दे सकते बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होता है, तो मतलब एक बार फील्ड का डायरेक्शन बोल सकते हैं ये डिस से इस डिस की तरफ होगा ऐसे, नेक्स्ट मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिरेक्शन है वो इधर हो जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट में फिर इधर, तो ऐसे ऐसे वो चलते जाएगा। ठीक है, चीज तो समझ में आया। देखिए एक तो यहाँ पे एक तो एसी सोर्स है, ये स्पेशली बनाया जाता है फॉर साइक्लोट्रॉन, ये भी बहुत कॉस्टली होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉन्टिन्यूअसली ये पूरा सिस्टम के ऊपर में चलेगा, तो पार्टिकल को एक्चुअली नीचे छोड़ा जाता है, पार्टिकल धीरे धीरे घूमते घूमते ऊपर चढ़ता है, और चढ़ने के बाद लास्ट में ये स्लिट से वो बाहर निकल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ है, तुम्हारे तरफ भी है, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द पोर्शन। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे बनाया हूँ, मतलब सिर्फ दो ठो देखकर सिर्फ साइन दिखा रहा हूँ, लेकिन मतलब इट इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द पोर्सन। ठीक है, सब जगह में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे उसने कुछ वेलोसिटी, जैसे वो कुछ वेलोसिटी ले लेगा, वेलोसिटी तो उसको लेना ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा पार्टिकल इस प्लेट से उस प्लेट में जाने का, इस डिस से दूसरा डिस में जाने का कोशिश करेगा, और वो स्ट्रेट कोशिश करेगा जाने का, लेकिन जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सीधा मूव करना चालू किया, नाउ मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो अभी फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाते हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट हो गया मेरा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अपवर्ड है, सो ये तो फोर्स फील करेगा नीचे की तरफ, सो द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी इन दिस साइड। शुरू तो ऐसे होगा, लेकिन शुरू होने का साथ साथ इससे सट जाएगा, तो इससे घिस के वो जाने का कोशिश करेगा, तब मतलब वो सीधा नहीं जा पाएगा, तो ये बहुत छोटा पार्टिकल है तो ऐसे नहीं, मतलब ये घिस के जाएगा, इधर जाना तो उसको उधर है लेकिन सीधा नहीं जा पा रहा है, घिस के गया, लेकिन जब भी वो यहां पे पहुंचा, अब पॉजिटिव यहां पे पहुंच गया, जब भी यहां पे पहुंचा वो प्लस क्यू, तब क्या कर दिया एसी, ऐसे मतलब डिजाइन किया जाएगा, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे कैलकुलेशन से कि तब इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दिया गया, जस्ट एट दिस मोमेंट, जब जस्ट वो इसका मिडिल से इसका मिडिल में गया, तुरंत पोलरिटी चेंज कर दिया गया दिस डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टूवर्ड्स यू है, सो अभी उसको फोर्स लगेगा फिर अपवर्ड डिरेक्शन में, तो उसको फोर्स अभी इधर लग जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स पार्टिकल आना तो चाहेगा इधर, लेकिन बेचारा को घिस के आना पड़ेगा ऐसे, फिर जब यहां पहुंचा फिर पहले जैसा सिनेरियो चालू, तो इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल जब भी जा रहा है उसको लेकिन इस पूरा सर्कल को घिस के जाना पड़ रहा है, ये जो अंदर का जो सर्कमफेरेंस है, तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल जल्दी स्पीड नहीं लेगा, पहले यहां पे घूमना चालू करेगा, लेकिन एज दिस इज इंक्लाइंड तो उसको ऊपर चढ़ने में भी वो मजबूर हो जाएगा, अब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ेगा उतना बड़ा सर्कल में उसको घूमना पड़ेगा, लेकिन वही टाइम पे मतलब नीचे में जब एक सर्कल मार रहा है तो उसमें जितना टाइम उसको लग रहा है, जब लास्ट मोमेंट में वो एक सर्कल मार रहा है तब उसी टाइम पे वो सर्कल मार रहा है, लेकिन अभी सर्कमफेरेंस बहुत बड़ा हो गया, तो क्या होने वाला है, पार्टिकल का जो स्पीड है वो ग्रेजुअली ट्रिमेंडस स्पीड हो जाएगा, जो कि एक तो प्रोटॉन है और एक तो न्यूट्रॉन है, तो तुम फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा है तो क्या करे, ऐसा नहीं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम लिया जाता है, तो इससे तुम्हारा सही होगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये लेकिन थोड़ा सा तुम नोट रखना, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा टफ नहीं देता है, सिंपल प्रॉब्लम भी कुछ रहता है, कहते हैं कि जो हाफ पार्टिकल का मास अगर एम है, फाइनल वेलोसिटी अगर भी है जस्ट निकलने से पहले, दिस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू पार्टिकल का चार्ज, तो यहाँ पे क्यू ही लिखेंगे क्योंकि क्या चार्ज है ये तो पता नहीं, तो क्यू इंटू वी ए सी। ठीक है, क्यू भी होता है वर्क डन, तो मतलब क्यू इंटू वी ए सी दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये रिलेशन आया। ठीक है, तो वी इक्वल टू हो जाएगा टू क्यू वी सी बाई एम,
इसका रूट अंडर, ये इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ, ठीक है। तो फाइनल जो वेलोसिटी है वो लेकिन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, जो एसी का जो वोल्टेज है, ठीक है। क्यू बी इंटू वेलोसिटी का जगह में ये चीज़ तो बैठा देंगे, दैट इज रूट अंडर 2 QVAC बाई एम। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो बी सी बाहर रह जाएगा 1/b, ये चीज़ तो बाहर आ जाएगा, और एम ऊपर में मतलब उल्टा हो जाएगा चीज़ तो ऐसे। तो दिस विल बी 2m रूट के अंदर में VAC बाई नीचे में होगा एक तो Q, ठीक। एम 2πm तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग पहले से किए हैं। तो ये टाइम पीरियड में सुविधा क्या है, देखो ये टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी टू 1/टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू क्यू बी बाई तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। हाँ जस्ट उल्टा हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन हुआ टू T/2, मतलब ये जो टाइम पीरियड आया था इसका आधा। सो दिस विल बी πm/qv। तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स जो होना चाहिए इक्वल टू इसका उल्टा, दैट मीन्स qv/। तो इसका मतलब है कि हम लोग q/m देख लिए। अब देखो सब आदमी का अपना अपना काम हो गया, जो एसी का फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला है वो बोला कि साहब बोलिए कितना फ्रीक्वेंसी करना है, तुम देख लिए q/m कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना देंगे, सब कुछ पहले कैलकुलेट करके उसको बताए ये फ्रीक्वेंसी लगा, ठीक है। एनर्जी ये हम लोग अगर समझ लो वेलोसिटी दे दिया, मास दे दिया, तब तुम बोलोगे कि ½mv², ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन इस फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं देगा, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, qbr/m, ठीक है। कभी कभी वेलोसिटी को इस तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये ½mv² में हाफ और एम ये रहेगा, और वेलोसिटी के जगह में ये चीज तो बैठा देंगे। सो दिस रेडियस इज द फाइनल रेडियस। कभी कभी फाइनल रेडियस के फॉर्मेट में भी वो काइनेटिक एनर्जी मांग सकता है, तो हम लोग ये कर लेंगे ये, लेकिन हमेशा ट्रू होगा mv²r=qvb। तो उससे ये चीज तो निकाल लिए। अब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे बैठा देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा q²v² फाइनल रेडियस का स्क्वायर बाई m². तो ये एम और ये एम कैंसिल होके ये और एक तो फॉर्मूला, दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मतलब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बोल रहे हो, ठीक है। एग्जेप्टन में ऐसे घूमेगा, स्टार्टिंग इधर से किया वी नॉट वेलोसिटी से, तो वी नॉट वेलोसिटी रह जाएगा लेकिन वो ऐसे घूमते जाए, ठीक। लेकिन अभी ये ऐसे घूमता अगर ई मेरा नहीं, ई नॉट अगर नहीं रहता तो ये ऐसे घूमे थोड़ी थोड़ी ना, एक जगह में रहेगा, वाई जेड प्लेन में रहेगा, एक जेड प्लेन में। ये ग्रेजुअली ऊपर उठना चालू करेगा, क्यों, क्योंकि ई नॉट है। तो इस प्लस क्यू को हमेशा एक तो फोर्स मिलेगा ऊपर की तरफ, दैट इज इक्वल टू क्यू ई नॉट, ये फोर्स मिलेगा। तो मतलब वो घूम रहा है लेकिन उसको एक तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा ऊपर की तरफ, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी, ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन उसको मिलेगा दैट एक्सेलरेशन विल बी, तो इसको लिख रहे हैं ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो एक्सेलरेशन मिलेगा दैट एक्सेलरेशन इज, ये वी नॉट के साथ उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, दैट इज इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई मास ऑफ द पार्टिकल। सेकेंड जो मारेगा थोड़ा ऊपर, थर्ड मारेगा और ऊपर, फोर्थ मारेगा और ऊपर, तो ये गैप ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों गैप तो बढ़ रहा है, बुझेंगे ना, हाँ बिकॉज एक्सेलरेशन है तो गैप बढ़ेगा, ठीक
ठीक है, लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि इसको एक रोटेशन मारने के लिए जो टाइम है दैट टाइम इज फिक्स्ड एंड दैट इज द टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm/qb। सो इतना चक्कर में वो एक बार वाई एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा फिर इधर आएगा। अब यहां पे टच करे या ऊपर में टच करे, तो एन एथ टाइम टच करेगा एन टी टाइम में, मतलब यहां पे गिवेन टाइम जो है दैट इज एन टाइम्स द टाइम पीरियड, ये बोला हुआ है ठीक है और कुछ नहीं। तो एन टाइम्स द टाइम पीरियड दैट विल बी, इसके साथ एन मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी 2πmn/qb। अब इतना टाइम में वो जितना डिस्टेंस उठेगा दैट इज एक्चुअली द वाई कोऑर्डिनेट, तो वो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्स में जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू वाई एक्सिस के शुरुआत में, लेकिन देखो वाई के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर मानना पड़ेगा कोई ग्रेविटेशन नहीं है ठीक है, जब ये मैग्नेटिज्म का प्रॉब्लम देगा तो मानना पड़ेगा देयर इज नो ग्रेविटेशन। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें ये क्यू एक टू क्यू कैंसिल हो गया, एक टू एम कैंसिल हो गया, टू टू जा फोर, तो वाई इक्वल टू आ रहा है टू पाई स्क्वायर एम बाई क्यू, और यहाँ पे आ रहा है एन स्क्वायर ई नॉट, अब अगर q/m का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो इस जगह में हम लोग बैठा देंगे ठीक है, तो खैर ये वैल्यू तो आएगा तो दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट। एंगल व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ y एक्सिस, तो थोड़ा सा एंगल बना लेते हैं ऐसे करके, तो ये जो क्रॉस कर रहा है उस समय उसका y एक्सिस के साथ एंगल कितना है, सो लेट इट बी थीटा, ये थीटा पूछा है, फिर वो घूमेगा, लेकिन देखो जब वो घूम रहा है लेकिन वो हेलिकल पाथ से घूम रहा है ना, उसका ग्रेजुअली लेकिन ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उस समय ये थीटा टो पूछा है टू पाई एम एन बाई क्यू बी, दैट मीन्स वी वाई इक्वल टू यू प्लस एटी। अब पहले इनिशियली तो कुछ वेलोसिटी नहीं था, तो ओनली ए वाई इंटू टी, तो ए वाई का वैल्यू हो गया तुम्हारा ये इंटू टाइम हो गया एन एथ टाइम जब क्रॉस कर रहा है, तो ये हो जाएगा टू पाई एम बाई क्यू बी, ये हम लोग का होता है एक बार का, एक बार टच करने का टाइम, तो एन एथ टाइम बोला तो ये टाइम हो गया, यहाँ पे एम एम सो दिस विल बी इक्वल टू टू पाई एन ई नॉट dx, मतलब हो गया v नॉट, और vy का वैल्यू हो गया ये चीज, तो ये बैठा देंगे 2πn e नॉट by ऊपर में v, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मेरा ये चीज आ जाएगा।